हमीरपुर बाजार में गोलगप्पों की रेड़ी लगाने वाले प्रवासी के साथ ईओ के द्वारा की गई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है और मामले में चार दिन बीतने पर नगर परिषद के ईओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से रेड़ी फड़ी यूनियन ने सीटू के बैनर तले एसडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मामले में हस्तक्षेप करके न्याय की मांग की है। वहीं एसडीएम ने भी मामले की निष्पक्ष जाँच करने का आश्वासन दिया है और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमीरपुर बाजार में गोलगप्पों की रेड़ी लगाने वाले प्रवासी के साथ ईओ के द्वारा की गई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है और मामले में चार दिन बीतने पर नगर परिषद के ईओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से रेड़ी फड़ी यूनियन ने सीटू के बैनर तले एसडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मामले में हस्तक्षेप करके न्याय की मांग की है। वहीं एसडीएम ने भी मामले की निष्पक्ष जाँच करने का आश्वासन दिया है और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि गत तीन दिन पहले ही बाल स्कूल के पास गोलगप्पों की रेड़ी लगाने वाले प्रवासी हेमराज को ईओ के रिश्तेदार ने आकर पहले जमकर गोलगप्पे खाए और घर के लिए भी पैक करवाए, लेकिन पैसे देने की बारी में मुकर गया और उल्टा ईओ के रिश्तेदार होने की धौंस जमाने लगा, जिस पर मामला गर्मा गया। यही नहीं, बाद में ईओ के पास जाकर भी प्रवासी हेमराज को कार्यालय बुलाया गया, जहाँ पर प्रवासी के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पुलिस थाना हमीरपुर के अलावा नगर परिषद अध्यक्ष को भी की गई है। लेकिन तीन दिन बीतने पर भी कोई कार्रवाई न होने पर आज रेड़ी फड़ी धारकों ने गहरा रोष पनपा हुआ है। सीटू के महासचिव सुरेश राठौर ने बताया कि नगर परिषद के ईओ के द्वारा की गई मारपीट के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर एसडीएम से मिले हैं और एसडीएम ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि रेड़ी फड़ी धारकों में भय का माहौल बना हुआ है, जिसके बारे में भी एसडीएम को बताया गया है। ये जो आज हम एसडीएम महोदय से जो ज्ञापन देकर आज रेड़ी फड़ी यूनियन के माध्यम से मिले, इसमें हमारा मुख्य मकसद था कि पिछले दो तीन दिन पहले जो घटनाक्रम बॉय स्कूल के पास जो हेमराज नाम का व्यक्ति गोलगप्पे की रेड़ी लगाता था, उसके साथ जो मारपीट की घटना जो ईओ साहब के द्वारा करी गई थी, उसको लेकर जो थाना के अंदर शिकायत करी गई थी, उसमें जो है अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं करी गई है। तो उसको लेकर जो है आज हम एसडीएम महोदय के साथ मिले हैं और एसडीएम महोदय ने जो हमें आश्वासन दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच जो है करी जाएगी और जो खौफ और जो भय जो है रेड़ी फेड़ी वर्कर यूनियन के अंदर जो है अधिकारियों के द्वारा पैदा किया गया है, उसको लेकर भी सुरक्षा प्रदान करने की जो है एसडीएम महोदय ने जो है इनको आश्वासन दिया है। तो इसी को लेकर हम आज एसडीएम महोदय से मिले हैं और हमें आने वाले समय के अंदर उम्मीद है कि आज जो मेमोरेंडम रेड़ी फड़ी यूनियन के माध्यम से जो है आज एसडीएम महोदय को दिया गया है, उसको लेकर जो है एसडीएम महोदय आगामी कार्रवाई करेंगे। इस चीज़ को लेकर जो है अगर हमें पूरा भरोसा है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो किसी भी जैसे एसडीएम महोदय को लेकर आज हम मिले हैं। वैसे हमने तो जिलाधीश महोदय से मिला था, वो अपनी मीटिंग में बिजी हैं, तो इसके चलते जो है हम एसडीएम महोदय को मिले। अगर इस तरीके से आगामी कार्रवाई नहीं होती तो जो रेड़ी फड़ी यूनियन वर्कर है वो आने वाले समय के अंदर पूरे जितने भी रेड़ी फड़ी वर्कर्स हैं उनको लामबद्ध करके जो है इस मामले के खिलाफ जो है आंदोलन करेगी और आगे की रूपरेखा जो है उस तरीके से तैयार की जाएगी। पीड़ित हेमराज ने बताया कि मुझे थप्पड़ मारे गए और बिना वजह से प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस कारण ही आज एसडीएम से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा गया है। 26 साल से रेड़ी लगाता हूँ यहाँ पर हेमराज, और एक बंदा आया था गोले पे लेने को, फिर 14 तारीख को आया था, 4-5 दिन बाद फिर आया था, बोले मेरे पैसे हटाओ, मैं ईओ साहब का रिश्तेदार हूँ, अगर आपका नाम ले लेता ईओ साहब का तो आप पैसे भी नहीं लेते। फिर मैंने बोला सर आपको महंगे ले तो आपने क्यों लिए गोलगप्पे, फिर चले दूसरे दिन फिर आ गए, फिर मैंने बोला देखो चलो आपके पैसे कितने ज़्यादा हैं आपको, मैंने बोले 75 रुपये आए, तो बोले 75 रुपये वापस कर दो, मैंने वापस भी कर दिए सर पैसे। फिर उसके बाद वो चले गए ईओ साहब के पास कमेटी दफ्तर, उन्होंने मेरे को बुलाया था 5 बजे, मैं गया था, बोले ईओ साहब ने बुलाया वहीं, चलो सर। फिर और भी हमारे साथ गया था प्रेमपाल, साथ में गया था, उनने पूछा उसे नहीं थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। अब जो बंदा गोलगप्पे ले गया था वो भी उधर ही उनके पास में ही बैठा था। फिर आज हमने एसडीएम साहब को अपनी जितनी हमारी शिकायत थी उनको दी, पुलिस में भी दी है क्या? हाँ पुलिस में भी दी थी, बस कोई कार्रवाई नहीं हुई थी अभी तक।
वही एसडीएम चिरंजी लाल ने बताया कि गोलगप्पे की रेडी लगाने वाले के साथ ईओ के द्वारा मारपीट का मामला बताया जा रहा है, जिस पर रेडी फड़ी वालों ने शिकायत की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पुलिस कर रही है और अगर अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फड़ी यूनियन के प्रधान के साथ लोग मेरे कार्यालय में कंप्लेंट लेके आए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा गया कि यहाँ पर किसी गोलगप्पे वाली व्यक्ति ने किसी ने दुकान लगाई थी, उसको ईओ ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उनको थप्पड़ मारे। इसकी शिकायत उन्होंने नो डाउट पुलिस विभाग में कर दी है और उन्होंने एक मुझे ज्ञापन सौंपा है और जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके लिए उक्त अधिकारी अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए पुलिस को डायरेक्शन दे दी गई और उक्त अधिकारी में अगर उसमें संलिप्तता पाई जाती तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी।